ये है तिनका जेल रेडियो। हरियाणा की जेलों का होगा अपना जेल रेडियो। हरियाणा की अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में होगी रेडियो की शुरुआत। पानीपत में 5, अंबाला के 6 और फरीदाबाद जेल के 10 बंदियों को मिली ट्रेनिंग। बंदियों को जेल रेडियो की ट्रेनिंग तिनका तिनका संस्था के संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा ने दी। इसके तहत रेडियो पर रोजाना 1 घंटे के कार्यक्रम होंगे, जिसमें समसामयिक जानकारी के अलावा जेल की खबरें होंगी, गाने भी सुनाए जाएंगे। बंदी होंगे जेल रिपोर्टर्स। ये जानकारी अंबाला सेंट्रल जेल अध्यक्ष लखबीर सिंह ने दी। सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से इसको शुरू किया जाए? ऐसा है जी, पिछले महीने डीजी साहब की तरफ से हमें एक मैसेज कन्वे किया गया था, तो उनका विचार था कि किसी न किसी तरीके से बंदियों को रेडियो के माध्यम से बाकी बंदियों के साथ जोड़ा जाए। तो जेल में जो भी स्टेप्स उठते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, या उनकी भलाई के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के संबंधित में, उस रेडियो के माध्यम से हम उनको जानकारी समय समय पर देते रहें। और अगर उनके किसी तरह के प्रश्न हैं, उत्तर हैं किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से, या कुछ उनकी ऐसी व्यक्तिगत बातें निकल के आती है जिसका हल हो सकता है, तो इस रेडियो के माध्यम से हमारे सामने रख सकते हैं। तो ये डीजी साहब जो कि हमारे समय महानिदेशक कारागार श्री के सलवेरा जी हैं, तो उनके विचार के बाद ये बात सामने आई कि हमने 3 जेलों पर कुछ बंदियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें फरीदाबाद जेल के बंदी, पानीपत जेल के बंदी और 6 बंदी हमारे अंबाला जेल से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई और उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है ट्रेनिंग कम्प्लीशन का। और 15-20 दिन के बाद हम ये रेडियो प्रत्येक जेल पर शुरू करने का प्रयास है कि जिससे बंदी अपने विचार अभिव्यक्त कर सके और बुराई से हट के, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है, तो उनको किसी ना किसी कार्य में संलिप्त रखा जाए और बाहर जाके उनको आजीविका का एक साधन मिले। इसी प्रयास के तहत तिनका तिनका फाउंडेशन है जी, जो NCR में बहुत अच्छा कार्य करती है, NGO है, जिनकी फाउंडर हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रदान की है और आगे भी वो हमारे साथ जुड़े रहकर बंदियों को समय समय पर और बंदियों को इसके साथ जोड़ते रहेंगे ताकि इस रेडियो को सफल बनाया जा सके। तो क्या जो अपने पास बंदी है, इन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया इसको? जी जी, बंदियों को क्या, जैसे कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि क्या स्क्रिप्ट होती है, कैसे अपने आप को पेश करना है, क्या आज का टॉपिक रहेगा, जैसे स्वास्थ्य लाभ है तो उसके एक एक घंटे का प्रोग्राम डेली हुआ करेगा, उसमें विभिन्न टॉपिक्स को लिया जाएगा, स्वास्थ्य लाभ हुआ, बच्चों के बारे में हुआ, परिवार के बारे में हुआ, क्योंकि बंदी परिवार से काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो अगर हम उनको परिवार के गाने सुनाएं, किसी का जन्मदिन मनाएं, 4 बंदियों का जन्मदिन आ गया और हमें पता है, अगर हम उनको शुभकामनाएं दें तो वो एक दिल से जुड़ने वाली बात हो जाएगी बंदियों के साथ, और इससे हमें लगता है कि हम बंदियों को सकारात्मक सोच के साथ साथ एक बार भी जीवन यापन का साधन दे पाएंगे। इस समय हमने जी फर्स्ट फेज में 6 बंदियों को ट्रेनिंग दी है अंबाला से, और तकरीबन 7-8 बंदियों को पानीपत से, और 10-11 बंदियों को, जिसमें महिला बंदी भी शामिल है, फरीदाबाद जेल पर ट्रेनिंग दी है। तो जैसे जैसे, क्योंकि बंदियों का आना जाना निरंतर लगा रहता है, इसमें नए बंदी जुड़ते जाएंगे पुराने बंदियों को हम ट्रेनिंग के साथ साथ, ताकि वो आगे ट्रेनिंग देते रहे। उंगली लोगों को दी जाएगी जो सजा याफ्ता है, जो सजा काट रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। जिनको लगता है कि हमारे पास जेल में कुछ काम सुधार हो सकता है, इसमें कुछ अंडर ट्रायल भी जोड़ सकते हैं, कैदी भी जोड़ सकते हैं, तो जेल में रहने के समय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेनिंग छोटी होती है, तो कोई भी अपने विचार, इसमें बंदी जो, एक हमारे पास धुन कार्यक्रम भी चल रहा है जी, इसमें आपको ये बता दूं, जिसमें हम तकरीबन 40 बंदियों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, म्यूजिक की, सिखाने, बोलने, गाना बजाने और वाद्य यंत्रों की, तो वो भी अपनी प्रतिभा इस रेडियो के माध्यम से बंदियों को पेश कर सकते हैं। वो खुद कई लिखते भी हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और अपने गाने भी पेश करते हैं। हाँ जी मैम, तो बंद कर। अच्छा ये बताओ, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।